गाइस वेलकम टू जेजे ऑटोमोबाइल व्लॉग्स और नाउ जितेश। सो गाइस जो आज की वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है दोबारा से अपनी भाई मॉडिफिकेशन सेगमेंट के ऊपर ही। और आज भाई हमारे साथ भैया आए हैं जो अपनी पूरी गाड़ी फीचर करवा रहे हैं। तो भैया आपका नाम क्या है बता दो। मेरा नाम अनिकेत। और भैया आपका? मेरा अनमोल। तो भाई दोनों भैया की गाड़ी है। तो भैया एक बात, अपनी गाड़ी कौन सी है, मेक ईयर मॉडल है, बताओ लोगों को। मेरा 2018 है जनवरी का, i20 स्पोर्ट्स। तो गाइस मेक ईयर जो है वो 2018 है और जो अपना इसका मॉडल है दैट इज स्पोर्ट्स मॉडल। तो भैया क्या क्या गाड़ी में काम कर रहे हो, आइडिया बताओ। गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम है पूरा और अपना साइड स्कर्टिंग है, फ्रंट ग्रिल है, अलॉय है अपना 17, मतलब कंप्लीट मॉडिफिकेशन है। तो गाइस पूरी गाड़ी रेडी है, मतलब इसका म्यूजिक सिस्टम हैवी है, पूरा इसका इंटीरियर रेडी है, पूरा इसमें अलॉयज, तो हर चीज है। तो मेक श्योर आप पूरी वीडियो एंड तक देखें। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबाइए सब्सक्राइब बटन को और साथ में इस बेल आइकन को भी, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। सो गाइज हेयर वी हैव मॉडिफाइड i20 एलीट। और गाइज जो गाड़ी का ईयर है वो अपना 2018 है और जो इसका गाइज मेकी जो मॉडल है डाटेड स्पोर्ट्स वेरियंट, जैसे कि आपको भाई ने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई फ्रंट से। तो आप पहले एक बार फ्रंट की एक लुक ले लो ओवरऑल और फिर मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई हेडलाइट्स की। तो इसके अंदर आप लोगों को दिख रहा होगा कंप्लीट अपनी हेडलाइट्स के अंदर आईलाइट्स इंस्टॉल है, जो काफ़ी एक बढ़िया लग रही है और दूर से मतलब काफ़ी बेहतरीन इसकी लुक आ रही है। तो आपको उस साइड से मैं पूरी एक बार आईलाइट्स की लुक दिखा देता हूँ। ये देखो फ्रंट से काफ़ी बढ़िया इसकी लुक आ रही है। प्लस अगर आप हेडलाइट में एक और चीज़ देखोगे गाइस, इसके अंदर ये पूरा रेड का एक कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ है क्योंकि जो ग्रिल से मैच करा है, ग्रिल पे भी आएंगे। तो अभी बात कर लेते हैं भाई इसके अंदर एलईडीज। तो कंप्लीट इसके अंदर अपना भाई एलईडी सेटअप इंस्टॉल है नीचे भी और ऊपर भी। तो भाई हमने इसके अंदर कौन सा एलईडी लगा रखी है? ओसाराम भी डाल रखी है ऊपर नीचे दोनों। तो रिस्पॉन्स वाइज कैसी है? मतलब जैसे आप हाईवे वगैरह पे काफी जाते हो, कोई इशू नहीं आ रहा, मतलब बिल्कुल आउटपुट ओके है? तो भाई ये देख लो, बाकी प्योर वाइट है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लेना हो आउटपुट का तो भाई यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी काफी ब्राइट है। बाकी भाई ने आपको रिव्यू दे दिया है, काफी एक अच्छा आउटपुट है। तो ऐसा तो नहीं है कि लाइट इधर उधर जा रही है, स्कैटर हो रही है, प्रॉपर रोड पे आती है। तो भाई ये देख लो आप पूरा। तो इसके अंदर कंप्लीट भाई अपने दोनों एलईडी इंस्टॉल्ड है नीचे भी और ऊपर भी। तो लुक भी काफी बढ़िया आ रही है, प्लस जो रिस्पांस भाई ने आपको बता दिया। अब हेडलाइट्स के साथ साथ भाई जो मेन अट्रैक्शन है वो है गाड़ी का ग्रिल। तो कंप्लीट गाइज इसकी ग्रिल कस्टमाइज करी गई है और कस्टम मेड ग्रिल है पूरी अपनी, ये देख सकते हो मैश ग्रिल है। तो भाई ये कैसी कस्टमाइज होती है, करिए बताओ। ये जो पुरानी वाली ग्रिल थी हुंडई की ओरिजिनल, वो निकाल के और इसको लगाई गई थी, उसी में लगी है, कोई कटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब जो अपने ओरिजिनल ग्रिल थी उसे रिमूव करके इसमें ऐड करी गई है। सो गाइस ये पूरा आप देख सकते हो। और ग्रिल के एक और बेटर लुक देने के लिए भाई जो बैक वाली चेसिस है उसे प्रॉपर ब्लैक पेंट, सॉरी रेड पेंट कराया हुआ है। तो आप पूरा देख सकते हो। तो जो कॉन्ट्रास्ट दिया गया, ये देखो फ्रंट जो टोइंग हुक होता है ये अपनी चेसिस और जो ऊपर की है पूरा एक कॉन्ट्रास्ट दिया गया है। साथ के साथ यहाँ पे आपको पूरा स्प्लिटर इंस्टॉल दिख रहे होंगे। तो अपने ये अपने एबीएस में फाइबर में, एबीएस में ही है। सो गाइस ये भी आप पूरी लुक देख सकते हो। देखो फ्रंट से मैं आपको पूरी लुक दिखा देता हूँ, काफ़ी बढ़िया आ रही है भाई, काफ़ी शानदार। जो अपने स्प्लिटर्स और कस्टम ग्रिल है उसने गाड़ी की लुक काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर दी। तो स्प्लिटर वगैरह का रिस्पांस कैसा है? ओके है, बचा के चलानी पड़ती है स्पीड ब्रेकर वगैरह पे, मतलब थोड़ा ध्यान केयर करनी पड़ती है, बाकी कोई इशू नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी जब चल रही है तो लगती है नीचे? तो भाई जैसे आपको लुक ऐसे लग रही हो कि गाड़ी थोड़ी सी लोअर हो गई है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने से फ्रंट में बाहर आते हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान से चला के रखनी पड़ती है क्योंकि भाई एबीएस होता है, अगर ये टच होगा तो फिर भी टूट जाएगा, आप फाइबर लोगे जब भी वो टूट जाएगा। बाकी लुक काफ़ी ही शानदार आ रही है, काफ़ी बेहतरीन आ रही है। तो फ्रंट से भाई हमने जो भी मॉड्स होते हैं सारे कवर कर लिए। तो भाई एक बार आपको दोबारा से लुक देखने तो आप देख सकते हो। अब चलते हैं सीधा गाड़ी के साइड प्रोफाइल में। और गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आप लोग दिख रहे हो भाई इसके पूरे अलॉयज जो चेंज है। और अपने कौन से अलॉयज है भाई, कितने इंचेज है बता दो? 17 इंचेज है। और टायर कौन सा यूज़ करा हमने? योकोहामा का ही। तो गाइस यहाँ पे आप पूरे अलॉयज देख सकते हो, अपने मल्टी स्पोक्स अलॉयज हैं, काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। आपको उस साइड से भी एक बार लुक दिखा देता हूँ, ये देखो। और साथ में गाइस इसके अंदर स्टिकरिंग भी यूज़ योकोहामा की ही करी हुई है। तो गाइस ये थोड़ा सा आपको केयर करना पड़ता है, ये उतर जाते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे होगा प्रॉपर योकोहामा की स्टिकरिंग। और जो टायर साइज है गाइस दैट इज 215/45R17। तो भाई अलॉय का रिस्पॉन्स कैसा है अपना? मतलब जैसे हमने इसमें अपसाइज करे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? कोई हाईवे पे इशू नहीं है, 120 के अराउंड भी गाड़ी चलती रहती है, कोई इशू नहीं, कोई बबलिंग नहीं, कुछ नहीं है, मतलब साइड वाइड कुछ नहीं जाती और ब्रेकिंग वगैरह का रिस्पांस भी ओके है। तो भाई लुक भी देख लो, प्लस भाई ने आपको एक रिव्यू बता दिया। अगर आप i20 में 17 इंचेस डलवाओ तो डलवा सकते हो। और अगर भाई हम 4-5 बंदे बिठाए तो टच तो नहीं होती? नहीं, कोई इशू नहीं, मैंने उसके लिए वो स्प्रिंग्स लगवाए। अच्छा स्प्रिंग्स चेंज करवा रखे हैं इसके? कौन से स्प्रिंग्स लगवा रखे हैं? इसमें डबल स्प्रिंग है, जो कंपनी वाले स्प्रिंग आते हैं उसके अंदर एक और स्प्रिंग फिट हो जाए। तो गाड़ी कोई झूलती वगैरह तो नहीं है? कोई इशू नहीं, मतलब राइड क्वालिटी में कोई इशू नहीं है? कोई इशू नहीं। तो भाई ने आपको क्लियर कर दिया। अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊं तो गाड़ी की हाइट पीछे से इंक्रीज है। और ये देखो पूरी पीछे से लुक देखना चाहो भाई, इंक्रीज के साथ कुछ ऐसे लुक आ रही है। अलॉयज की अगर आप ब्रॉडनेस देखना चाहो तो भाई ये आ रही है, देखो देख लो। और काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, सिल्वर कलर के अलॉयज हैं, मल्टी स्पोक्स, टायर साइज 215/45R17। प्लस गाड़ी के साइड में गाइस एक दो कस्टमाइज और हुए हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्रोम हैंडल्स इंस्टॉल है, अपनी लोअर गार्निश इंस्टॉल है और अपनी रेन वाइजर भी इंस्टॉल है। तो ये भाई कितने टाइम पहले कराए थे हमने? ये गाड़ी के साथ ही हुए थे, मतलब जिस टाइम गाड़ी ली थी जब एक साथ काम करा था, अप्रॉक्सिमेट 3 साल पहले।
तो भाई पूरे लुक देख लो, और एलॉयज के साथ भाई पूरे एलॉयज काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं मल्टी स्पोक्स के अंदर। और ये तो बात हो गई भाई साइड प्रोफाइल की, अब आ जाते हैं गाड़ी के बैक प्रोफाइल में। तो बैक प्रोफाइल में आप देखोगे भाई सबसे पहले इसके अंदर पूरा स्पॉइलर इंस्टॉल है अपना। कौन सा है भाई ये, एबीएस है? कौन सा एबीएस ही है? तो ये भी गाइस अपना पियानो ब्लैक में पूरा इंस्टॉल है स्पॉइलर। पूरे लुक देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया लुक आ रही है। अगर मैं दूर से आपको पूरे कॉन्ट्रास्ट दिखाऊँ, कुछ ऐसी इसकी पूरी गेटअप आ रही है। और थोड़ा पास से भी आप लोग देख लो, अपना कंप्लीट गाइस पियानो ब्लैक में आई है। और प्रॉपर तरीके से गाइस ये स्टिक है, और साइड में क्लैंप्स वगैरह लगे होते हैं इसके, प्रॉपर इसकी फिटिंग आ रही है ये देख लो। प्लस गाड़ी के अब नीचे आ जाते हैं तो गाइस इसके अंदर अपने रिफ्लेक्टर इंस्टॉल है, एलईडी रिफ्लेक्टर्स। ओरिजिनल वाले गाइस उसके अंदर एलईडी नहीं आती, बट ये पूरा एलईडी रिफ्लेक्टर्स है। काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन लग रहा है, मैं पूरी लुक दिखा देता हूँ आपको। तो भाई ये नॉर्मल है अपने या मैट्रिक्स है? नॉर्मल है, मैट्रिक्स नहीं है। अरे भाई ये भी पूरा देख लो आप लोग। और एक अगर आपको एक आप लोगों को एक बार वॉक अराउंड और दिखाऊँ तो आप ये देख सकते हो। बाकी बाहर से भाई जो जो इसमें कस्टमाइज मॉड्स होते हैं सब मैंने आपके साथ शेयर करते हैं। अभी गाड़ी के इंटीरियर में भी चलेंगे और इंटीरियर में भी जो जो मॉड्स हुए हैं सब आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। बाहर से भाई सारे कवर कर लिए ना हमने, तो अब चलते हैं भाई फटाफट गाड़ी के इंटीरियर में, और इंटीरियर में जो जो मॉड्स हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो गाइस अब गाड़ी के इंटीरियर में आ चुके हैं, और आप लोगों को भाई गाड़ी का पूरा इंटीरियर चेंज दिखेगा, मतलब पूरा कस्टमाइज इंटीरियर मिलेगा। जैसे कि भाई जिन भी भाई के पास i20 उन लोगों को पता होगा, जो अपने वाला पार्ट होता है गाइस अपना बेज कलर में आता है, और जो डुअल टोन में आता है इधर भी अपना गाइस जो वाला पार्ट होता है बेज कलर में आता है। बट भाई ने पूरा इसे ब्लैक कराया हुआ है, और अपना जो इंटीरियर है कंप्लीट अपना ब्लैक एंड व्हाइट रेडी है। तो आप सीट कवर्स वगैरह भी देख सकते हो भाई, बिल्कुल डिसेंट से अपने ब्लैक और व्हाइट में है। और जो स्टेयरिंग कवर स्टिच है गाइस वो भी अपना ब्लैक एंड व्हाइट में ही स्टिच है। प्लस सेंटर वाला पूरा जो अपना डैशबोर्ड है अपना ब्लैक में गाइस पेंट कराया हुआ है प्रॉपर तरीके से, जो हाइड्रो पेंट होता है, और ये वाला भी पेंट करा रखा है। प्लस इसके अंदर गाइस प्रॉपर से लेदर यूज़ करा हुआ है, लेदर रैप से इसे ब्लैक करा हुआ है। और कंप्लीट इंटीरियर कहते हैं भाई ब्लैक और व्हाइट है। आपको पिलर्स भी दिखा देता हूँ एक बार, ये देखो अपना पिलर बी और पिलर सी। तो भाई जो हमने इंटीरियर करवाया था कितने टाइम पहले करवाया था? ये भी है जब गाड़ी परचेज करी थी तभी करवाया था, मतलब 3 साल के आसपास हो गए। और सीट कवर वगैरह भी उसी टाइम लगाए थे? हाँ जी हाँ जी। सो गाइस आप पूरा देख सकते हो, मतलब पूरा एक इंटीरियर रेडी है अपना। पिलर ए मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर बैठ के, ये देखो अपना पिलर ए पिलर बी सब कुछ गाइज अपना A to Z अपना ब्लैक करा हुआ है। एक बार पीछे से भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, तो भाई पीछे से भी आप देख सकते हो, ये देखो पिलर सी ब्लैक है। म्यूजिक सिस्टम के बारे में भी आएगी भाई, क्योंकि म्यूजिक सिस्टम भी इस गाड़ी के अंदर बहुत ही तगड़ा अपग्रेडेड है। और पीछे से आपको पूरा ब्लैक एंड देखना हो तो ये आप देख सकते हो। सीट कवर काफ़ी बढ़िया लग रहा है, काफ़ी एक प्रीमियम इंटीरियर लग रहा है ब्लैक और व्हाइट। बट भाई 3 साल हो चुके हैं तो थोड़ा सा अब इंटीरियर खराब होने लग जाता है, तो अभी ये भी बहुत जल्दी चेंज होगा भाई मुझे बता रहे थे। तो ये पूरा रिस्पॉन्स आप देख सकते हो। मैट की बात करो तो गाइस इसके अंदर अपने 70 मैट्स इंस्टॉल है, ये भी आप पूरा देख सकते हो। कोजो ब्रांड के यहाँ पे आपको ब्रांडिंग दिख रही होगी, काफ़ी प्रीमियम मैट्स लगते हैं ये। यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, और एक बार पीछे से भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, और ये पीछे से रिस्पॉन्स देख लो। तो भाई ये तो बात होगी पूरी एक इंटीरियर की, कंप्लीट ब्लैक एंड हुआ है। अब बात करते हैं भाई म्यूजिक सिस्टम की, तो म्यूजिक सिस्टम की स्पेक्स पूछते हैं। तो भाई इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम में क्या क्या अपग्रेड करा हुआ है? भैया इसमें चारों कंपोनेंट है, पीछे 4 इन्फिनिटी के स्पीकर्स है ओवल है, और आपका 99 नंबर DSP है, और एक सिंगल बूफर है। सिंगल बूफर, और एम्पलीफायर हमने कौन सा इंस्टॉल कर रहे हैं? मोनो एम्प है एक इंटरफायर का, और एक अपना 4-चैनल एम्प है मेगाबॉक्स का। ओके, और तो जो हमने कंपोनेंट इंस्टॉल करे हैं भाई वो कौन से ब्रांड के हैं? वो हर्ट्ज के हैं। हर्ट्ज के हैं चारों अपने? हाँ जी हाँ जी। और अपनी जो हेड यूनिट है ये भी पूरी चेंज है, ये पाइनर की है। ये अपनी हेड यूनिट कौन सी है? ये Z5090 है। Z5090। तो गाइस एक बार मैं आपको मुझे बूट से भी दिखा देता हूँ पूरा वूफर वगैरह रिस्पॉन्स, और वूफर भी भाई ने काफी एक हाई लगा रखा है। तो कौन से ब्रांड का है भाई अपना? स्पाइडर का। कितने RMS अपने? ये 1000 RMS का, अराउंड 1000 RMS का। सो गाइज आप पूरा देख सकते हो स्पाइडर का है, वूफर है। बाकी आउटपुट तो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा ही, आप देखना भाई पूरा रिस्पांस। बाकी अगर आप लोगों को इन्फिनिटी के जो इन्फिनिटी के गाइस पूरे जो अपने ओवर लगे हैं यहाँ पे देख सकते हो, तो आउटपुट कैसा आता है भाई, वोकल कैसी आती है? आप सुन के देखो। चलो भाई बहुत बढ़िया बात है। और DSP हमने सराउंड वाला ऑप्शन ऑन कर रखा है, तो भाई ये देख लो। पहले आपको स्पीकर्स वगैरह दिखा देता हूँ, और वूफर आप लोगों को मैंने दिखा दिया है। एम्प की प्लेसमेंट एक बार दिखा देता हूँ अगर आप लोगों को दिखता होगा तो एम्प कहाँ पे सीट के नहीं चाहिए भाई? सीट के नहीं चाहिए। तो भाई मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, तो भाई ऐसे पॉसिबल नहीं होगा। बट यहाँ पे अपना एक एम्पलीफायर यहाँ पे है, और एक अपना सीट के नीचे है, तो जो DSP है वो भी सीट के नीचे ही है। तो ये तो बात हो गई, ये कह सकते हैं कि स्पेक्स जो एक टेक्निकल स्पेक्स होते हैं। तो अब मैं इसमें पूरा म्यूजिक सेट करता हूँ और आप लोगों को इसका म्यूजिक सुनाता हूँ। सो गाइज यहाँ पे हमने NCS का म्यूजिक पूरा ऑन कर लिया है, और अगर आप लोगों को एक बार रफ फटाफट आइडिया बता देता हूँ स्पेक्स के, तो गाइज इसके अंदर अपने पाइनर का हेड यूनिट लगी हुई है, 4 अपने इसके अंदर हर्ट्ज के कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, 4 अपने ओवर लगे हुए हैं, और गाइज इसका इंटरफायर का मोनो एम्प है, और स्पाइडर का अपना सबवूफर है, प्लस एक 4-चैनल एम्प है जो इसे पूरे पावर दे रहा है। और साथ में आउटपुट के लिए गाइज इसके अंदर एक पाइनर का DSP इंस्टॉल है, जो अपना 9900 सीरीज आती है, 9900 वाली सीरीज आती है, वो इसके अंदर इंस्टॉल है। तो मैं यहाँ से प्ले कर रखा है, और एक बार वॉल्यूम प्ले करता हूँ और पूरा आउटपुट सुनना।
आप लोगों ने इसका आउटपुट पूरा सुन लिया होगा भाई, जो डीएसपी है काफी बढ़िया एक आउटपुट दे रहा है और मतलब बिल्कुल मजा आ गया। और जो भाई स्पाइडर का वूफर है बहुत ही शानदार बेस आ रही है भाई, ये पूरा ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट अपना हिल गया, आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही क्लियर साउंड है और मतलब भाई फील हो रहा है जो इसका पंच है वूफर का काफी बढ़िया है। अगर आप लोग एक बार दोबारा से वूफर की लुक देखनी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लो भाई पूरा वूफर, ये देख लो अपना भाई स्पाइडर कंपनी का वूफर है, काफी ही बढ़िया आउटपुट है भाई इसके अंदर। तो ये अपना भाई डबल कॉइल में आता है सिंगल कॉइल में आता है? डबल कॉइल में। तो गाइज पूरी भाई ने आपको स्पेक्स बता दी है और भाई कमेंट करके जरूर बताना सबसे बेस्ट पार्ट आप लोगों को क्या लगा इसके अंदर। भाई मैं बताऊँ तो जो इसका फ्रंट पार्ट है भाई बहुत ज़्यादा आई कैचिंग है और मतलब कहते हैं ना एकदम से अट्रैक्ट करती है। ये देखो फ्रंट से भाई पूरी लुक देखो भाई, देखो कितनी शानदार आ रही है और एकदम से भाई बंदे को अट्रैक्ट कर लेती है। तो भाई ये तो बात हो गई पूरी एक तरह से इसकी मॉडिफिकेशन की जो इसके अंदर हुई थी। तो कमेंट करके भाई ज़रूर बताना बेस्ट पार्ट आप लोगों को क्या लगा। तो अब करते हैं भाई से बात की भाई अभी तक इसके अंदर टोटल कितने पैसे स्पेंड हो गए। तो गाइस प्राइसिंग बताने से पहले आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ भाई, इतना हैवी सिस्टम है तो गाड़ी डैम्पिंग होना भी बहुत जरूरी है। तो भाई ने पूरी से डैम्प भी करा रखी है। तो भाई कौन सी डैम्पिंग यूज कर रखी है हमने इसमें? 3M की कर रखी है। 3M की जो अपनी गोल्डन सीरीज आती है। तो पूरी गाड़ी डैम्प है, अपने डोर्स वगैरह है? डोर्स और अपना बूट पूरा डैम्प है। सो गाइस ये चीज भी बताना रह गई थी क्योंकि इतना हैवी सिस्टम आप यूज करते हो तो भाई डैम्पिंग के बिना मजा नहीं आता। आपको थोड़ा एक आइडिया अगर ऐसे मिलता हो तो भाई देख लो और पीछे भी दिखा देता हूँ। तो अपनी गाइस 3M की कंप्लीट डैम्पिंग है। तो ये कितने टाइम भाई पहले कराई थी भाई? ये भैया जब गाड़ी परचेज करी तभी, मतलब 3 साल तक कोई पिघलने वगैरह का अभी तक कोई इशू नहीं है। तो भाई ये भी एक बहुत एक इंपॉर्टेंट बात थी जो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी थी। तो अब बात करते हैं भाई भाई से कि इसमें टोटल भाई ने कितने पैसे स्पेंड कर रहे। आप लोगों ने एलीट i20 की कंप्लीट मॉडिफिकेशन देख ली होगी और भाई अपने अनिकेत भाई ने बहुत ही बढ़िया तरीके से मॉडिफाई कर रखी है गाड़ी। सबसे बेस्ट पार्ट जो गाड़ी का लगा है वो है भाई इसकी ग्रिल और मतलब फ्रंट से आप लुक देखो भाई बिल्कुल एक आउटस्टैंडिंग लुक आ रही है, ऐसा लग रहा है भाई पूरी केरला वाली गाड़ी आ गई है क्योंकि केरला में भाई इतनी नेक्स्ट लेवल मॉड्स होते हैं। तो अनिकेत भाई एक बात बताओ, जो हमने जो म्यूजिक सिस्टम लगाया इसमें टोटल पैसे कितने स्पेंड हो गए अपने? इसमें आपके 1.5 लाख के अराउंड हो चुके। तो ऐसे अगर थोड़ा सा हम डिवाइड करके बताया तो कैसे कैसे बता दो। इसमें मैंने 38,000 रुपए का तो आपका डीएसपी लग गया और 10,000 रुपए का अपना स्पाइडर का बूफर है 1,000 का और अपना हेड यूनिट 28,000 की। तो गाइस मोटा मोटा अभी आप लगा लो 1.5 लाख के करीब इसका सिस्टम बैठा है, बहुत ही बढ़िया आउटपुट आ रहा है भाई डीएसपी ने, मतलब कहते हैं बिल्कुल मजा दिला दिया और सराउंड साउंड बहुत ही बढ़िया आ रही है। तो भाई ये तो बात हो गई हमारी ऑडियो अपग्रेड की, प्लस जो आपने इसमें एलॉयज लगवाए विद योकोहामा ब्रांडेड टायर्स उसका क्या खर्चा है करीब? 65 के अराउंड थे, मतलब एलॉयज अपने वही मोटे मोटे 30,000 के आते हैं और टायर गाइस अपना अराउंड योकोहामा का 8-10,000 के एक टायर आता है, ठीक है भाई बिल्कुल। और तो भाई टोटल आप हिसाब लगा लो 1.5 और 65 अपने समथिंग 225 के आसपास 215 के आसपास बैठ गए, प्लस भाई जो इसमें बाकी कस्टमाइज मॉड्स अपनी ग्रिल और ये सब इसमें क्या आइडिया लगभग बताओ? 30-40,000 रुपए लगे, मतलब मोटा मोटा अपने गाड़ी 2.5 लाख रुपए करीब इसमें स्पेंड हो रखे हैं। तो भाई आप देख लो भाई ने पूरे 2.5 लाख रुपए इस गाड़ी के अंदर स्पेंड कर रखे हैं, 2.5 लाख, बट भाई गाड़ी की जो मॉडिफिकेशन है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हो रखी है। प्लस भाई एक और बात बताओ, जो हमने ग्रिल लगवाई है इसकी आपको क्या कॉस्टिंग आई? मतलब 1,000 के अराउंड कंप्लीट आपकी रेडी हो गई थी, प्लस जो आपने भाई स्प्लिटर्स लगवाई थी इसकी कॉस्टिंग आई थी? इसके मैंने इसकी 6,000 का पूरा सेट था मतलब कंप्लीट। और ये कितने टाइम पहले लगवाई थी भाई? ये मैंने अभी लगवाया मतलब 3-4 महीने। तो भाई आई होप जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे सकता था सब मैंने आपको दे दी। अगर भाई लगता नहीं कि तो भाई ने बढ़िया गाड़ी मॉडिफाई कर रखी है तो भाई लाइक करके जरूर जाना है। अगर लगता है भाई वीडियो में कोई कमी थी तो डिसलाइक बेशक कर देना, बट भाई कमेंट में जाके बता देना कि भाई ये कमी थी, शायद अगली बार हम उसे इम्प्रूव कर ले। तो भाई कर रहे हैं इस वीडियो को एंड, कोई डाउट रहता हो तो भाई इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, इंस्टाग्राम इट इज जे ऑटोमोबाइल ब्लॉग्स, अगर आपको कोई डाउट हो वहाँ मुझे मैसेज कर देना, वो क्लियर कर दूंगा। प्लस भाई आप भी इंस्टा आईडी बता दो अगर उसको आपसे बात करनी हो तो। हनी गुप्ता 1998। तो भाई लिख लेना दोबारा से, स्पेल कर दो एक बार, HANYGUPTA 1998। तो भाई भाई को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो कर रहे हैं इस वीडियो को एंड, थैंक यू।